ऑलराइट है गाइस, व्हाट्सअप एवरीबडी, आई एम सार्वेंद फ्रॉम हाउ टू एडिट। और आज मैं बताऊंगा आपको माइल्स ऑफ कलर या कैलेंस वर्ल्ड, दोनों के जैसे मतलब सिमिलर टाइप सा था। तो मैंने वैसे रेफरेंस कैलेंस का लिया था, लेकिन कलर ग्रेड माइल्स ऑफ कलर्स की तरह हो गई, सो ट्यूटोरियल बना दिया मैंने एंड अच्छा बना था। सो इसके मैं पूरे डेप्थ में जाऊंगा कि कैसे कैसे बना है ये ट्यूटोरियल, और क्या क्या चीज़ें लगी हैं, और क्या क्या यूज़ करा था मैंने, कैसे कैसे इसको ऐसा लुक दिया है मैंने। जो मेरी ये एडिटेड वन है, जो मैंने फेस इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करी है, तो वो ऐसी है, थोड़े से ब्राइट कलर हैं, और जो मैंने ट्यूटोरियल के रखे वो थोड़ी डार्क रखे, क्योंकि मूडी कलर ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा। सो ये मैं आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि मैंने ये कैसे करी है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि कटआउट चीज़ें आप नहीं देखते हो, जो टाइम ग्राफ में देखा है। सो कटआउट को मैंने पहले से ही कर लिया है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे था। और इसको जस्ट अगर आपको डिटेल में जाना है कि मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ से आप जाएंगे पेन टूल की तरफ, ठीक है। कटआउट का तरीका बता रहा हूँ, जस्ट यहाँ क्लिक करा, यहाँ हल्का, फिर इस नोड को हमेशा स्ट्रेट रखे, फिर जो है आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ट्राई करिए कि एक स्ट्रेट हो, और फिर बाद में यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके कमांड दबा के हल्का सा उठा दीजिए, और यहाँ एक पॉइंट दबाइए और फिर इसे नीचे कर दीजिए, तो आपका ये लाइन पूरी सेलेक्ट हो गई। ऐसे ही करते करते, और कर्व्स पे बहुत ध्यान देना है ऐसे कि कर्व्स ज़्यादा वो ना जाए इधर उधर। सो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपको मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ में, और ऐसे ऐसे मास्क करते जाना है, ठीक है। तो ये था, जिनको नहीं आती है मास्किंग, तो ये है पेन टूल, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो मैंने डाल रखी है पेन टूल के अपने चैनल पे, तो आप उससे रेफर भी कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पेन टूल चलाना भी आ जाएगा उस वीडियो को देखेंगे। तो मास्किंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बार मैंने रीटचिंग थोड़ी अलग तरीके से करी है, और वैसे भी मॉडल का फेस बहुत सही था, तो मुझे ज़्यादा खास रीटचिंग कुछ करनी नहीं पड़ी थी। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू ज़रूर दूंगा कि आप कैसे रीटचिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं हैड ओवर करता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा था, उसके बाद रिफाइनमेंट करी थी मैंने चेहरे में, तो मैंने एक ये 50% ग्रे लेयर बनाई थी। अगर आपको 50% ग्रे लेयर नहीं बनानी आती है, तो वो बनेगी शिफ्ट फंक्शन, शिफ्ट F5 से, तो यहाँ आपका 50% फिल आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ओके दबा देंगे तो आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से देख के फिर मैंने सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे अच्छे इरेज करके बिल्कुल अच्छे से मास्क करी हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए, और ये शू लेसेस को भी मैंने बहुत अच्छे से मास्क कराई है, खुद ही मैंने ड्रॉ करके निकाला है। वैसा उतना अच्छा रिजल्ट वहाँ नहीं मिल रहा था मुझे मास्क टूल से, तो मैंने ऐसे करके निकाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब जब ऐसा हो जाएगा तो इसे अनहाइड कर दीजिएगा, और आपका पूरा प्रॉपर मास्क आ गया होगा। ये होता है कि अचीव करने के लिए मास्क। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी, वो थी कि हेयर्स यहाँ थे कनेक्टेड, लेकिन मेरे बीच में से गायब हो गए थे, तो मैंने इसे यहीं छोड़ दिया अभी मैं, कि इसे मैं बाद में लेटर ऑन फिक्स करूँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे फिक्स भी कराया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मैंने डाला बैकड्रॉप। बैकड्रॉप डालने का यहाँ मेन रीज़न था कि मेरे को ये ड्रीमी कैलेंस वर्ल्ड की तरह चाहिए थी, कि जो उसमें ग्रेट अच्छी एडिट होती है वो होती है बस ड्रीमी बैकग्राउंड से, और अबव द क्लाउड्स, तो ये ड्रीमी लगता है, तो थोड़ा मैं ड्रीमी टाइप कंसेप्ट रखा इधर। और फिर मैंने ह्यू से थोड़ा सा बैकग्राउंड को चेंज करके, जैसे येलो था ये, लेकिन मैंने इसे पिंक करा। पिंक मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे को स्किन टोन ज़्यादा प्रेफर्ड थे। मैं हर चीज़ स्किन टोन से मेज़र करके देखता हूँ, जब भी करके देखता हूँ कि मेरे स्किन टोन इसके और ये मैच हो जाए, ठीक है। मोस्टली केसेस में ये रहता है, बस मैंने इधर कर रखा है थोड़ा सा स्लाइडर। आप जैसे ही प्ले करेंगे इसके साथ, आपको भी अपने फोटो के बराबर का स्किन टोन मिल जाएगा। तब देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंस आ गया है यहाँ से यहाँ तक में, और तो और इतने हद तक हमारा बैकग्राउंड भी मैच हो चुका है। कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ करा नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ रीटचिंग की तरफ। तो रीटचिंग पैनल में देखिए, आप स्किन भी बहुत स्मूथ है, लेकिन थोड़ा बहुत वर्क करना है इस पर भी अभी भी,
तो यहाँ मैंने डॉज एंड बर्न क्रिएट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सडल वर्क करा है, बहुत ही लाइट। आपको शायद जूम और करके दिखाता हूँ तो आपको नोटिस होएगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इनकन्सिस्टेंसीज हटाई है यहाँ पे, ये देखिए ब्लैक 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 मार्क्स। तो ये वाह भाई, बहुत डीप में करी है मैंने, डॉज एंड बर्न करा है यहाँ पे, कोई ज़्यादा वैसे नहीं करा है। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि डॉज एंड बर्न आप करेंगे कैसे, क्योंकि कई लोगों को आता नहीं है और ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आपने एक ब्रश सेलेक्ट करना है, फ्लो 1% और ओपेसिटी 100 रखनी है, और स्मूथिंग को कर देना है बिल्कुल ज़ीरो, बंद ज़ीरो कर देना है यहाँ पे, या ब्लैकआउट कर दें, ठीक है। और अपने मास्क जो कर्व वाला है उसको थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर लेके जाना है, 2 पॉइंट ऊपर इसको, बर्न को 2 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब इस पे सेलेक्ट करना है, और आपने यहाँ वाइट कलर सेलेक्ट करना है, और फिर जस्ट पेंट करना है यहाँ पे, पेंट करना है, पेंट नहीं, तो यहाँ बहुत धीरे धीरे करना है। और आपका डायमीटर अराउंड 10 या 5 के बीच में रहेगा, जैसे इनकन्सिस्टेंसी हो। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको इनकन्सिस्टेंसी दिख रही होगी, ये ब्लैक ब्लैक है थोड़ा सा, तो इसे बहुत धीरे धीरे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया था इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करने में, अराउंड 2-3 आवर्स लग जाएंगे जो है वैसे ओरिजिनल में, तो इतना टाइम मैं खर्चना नहीं चाहता आपका ट्यूटोरियल में। आपको आइडिया मिल जाए वही बेटर रहेगा, और धीरे धीरे करना है, ये नहीं कि आप फ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं 1% ही प्रेफर करता हूँ हर बार की, यही बेटर है। और यहाँ पे जो भी आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखें वहाँ पे पेंट करना है आपने, कि एक काउंटर हो जाए कि ब्लैक था तो हमने इसे यहाँ फिल करके गोरा कर दिया है, बस यही इस डॉज एंड बर्न का मेथड है। और कहीं भी ज़्यादा ओवरडू ना करें, 2-3 स्ट्रोक्स बहुत रहते हैं और आपके अच्छे से क्लीन भी कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि कितना फ़र्क आया है, यहाँ पे देखिए तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर, ये बिफोर, ठीक है। अब डॉज एंड बर्न को भी सेम मैंने ऐसे ही कर रखा है, ये देखिए साइड साइड्स में आपको दिख जाएंगी फेस काउंटर करने के लिए। मैंने इसमें लोकल डॉज एंड बर्न करी है, ग्लोबल डॉज एंड बर्न करी नहीं है मैंने, क्योंकि ये पहले से ग्लोबली डॉज एंड बर्न लग रही है मुझे, इमेज इतना इसमें नीड नहीं है। सो कोई फोटो कुछ ज़्यादा एस्थेटिक वर्क करना हो तब होता है। सो मैंने यहाँ लेग्स पे भी कर रखा है थोड़ा वर्क, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे और यहाँ पे है। सो डॉज एंड बर्न थोड़ा बहुत स्लाइट होता है, दिखता नहीं है जल्दी से वीडियो रिकॉर्डिंग्स में, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स दिखें और आप ज़रूर समझें। सो ये था डॉज एंड बर्न का, मैंने आपको मेथड भी बता दिया है। सो आप ऐसे ही चेहरे की सारी इनकन्सिस्टेंसीज को भी रिमूव कर सकते हैं। और एक और मेन बात, जब आप डॉज एंड बर्न करें तो जैसे आपको ये दिख रहा है पार्ट, इसको बिल्कुल गायब ना कर दें, कि आप ऐसे ऐसे करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं और बिल्कुल ही हर चीज़ रिमूव कर दें। मैंने बहुत लोगों को दिखाया ऐसे करते हैं, नहीं, आपको बहुत स्लाइड स्लाइड करना है, सारी शेडोज़ और हर चीज़ की डिटेल्स को प्रिजर्व करना है, तभी डॉज एंड बर्न परफेक्ट होता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसे, अराउंड 1 महीना आपको लग जाएगा मास्टर करने में, इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो यहाँ धीरे धीरे मैं भी अभी मास्टर कर रहा हूँ, मैं भी अभी परफेक्टली नहीं हुआ हूँ इसमें, सो यहाँ पे धीरे धीरे। और ये लाइन जो शेडो है ये भी मुझे चाहिए, सो हर चीज़ को देख के करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉज एंड बर्न से कितना फ़र्क पड़ा होगा, जो मैंने कर रखा है पहले, ये बिफोर है ये आफ्टर है, आइस में भी कर रखा है मैंने धीरे धीरे, तो सेम सेटिंग यूज़ कर रखी है मैंने, कोई चेंज नहीं कर रखा है। अब मेन आते हैं जो मेरे हेयर्स रह गए थे, अब हेयर्स यहाँ पे थे ये, और मेरे को चाहिए था कि ये बिल्कुल सीधे यहाँ पे भी आए, तो मैंने बाद में क्या करा था, मैंने ब्रश लिया सीसी कलर का और अपने इस ब्रश की पेंट को कर दिया 3, और जस्ट लाइक अभी दिखा देता हूँ मैं ऐसे, यहाँ फ्लो ज़्यादा कम है और इसे भी बंद कर दें, ठीक है। अब ऐसे थोड़े 7 है ये, 3 तक, हाँ, तो ऐसे स्ट्रोक्स करेंगे जब आप, तो ये बिल्कुल हेयर्स की तरह लगेगा,
जब आप ज़्यादा जूम इन करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन इतने दूर से किसी को पता नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम के लिए बहुत परफेक्ट है और ये अच्छी टेक्निक है। मैं इसे ज़्यादा भी वो नहीं करूँगा कि प्रेफर कि आप यूज़ करें, आप कटआउट अच्छे से करें। ये होता है हार्ड एंड फास्ट मेथड, जैसे यहाँ पे आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, आप कटआउट अच्छे से नहीं निकाल सकते जल्दी, तो ये रूल ज़्यादा बेटर रहता है, आप ड्रॉ कर लें। और यहाँ मैंने यहाँ पे भी कर रखे हैं ड्रॉ ऐसे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेयर्स कैसे मैंने वापस से ग्रो कर दिया है वहाँ पे। कुछ इतना रूल वो नहीं हुआ बेकार, और अच्छा भी लग रहा है वहाँ पे। बस वहीं से कलर सैंपल लीजिएगा और उठा के पेंट कर दीजिएगा, तो वो बिल्कुल मैच रहेगा, कोई अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ ये समझाने के लिए था, और ये मैंने फाइनल कर रखा है ऐसा धीरे 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 ब्रश से पेंट, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से आ गई है और हमारा मास्क भी अच्छे से हो गया है। अब आती है कलर ग्रेड की बारी। सो कलर ग्रेड कोई फिक्स नहीं है, जस्ट मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ कि कलर ग्रेड कैसे करनी चाहिए, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ कैमरा और फिल्टर पे। सबसे पहले ये जो दो स्लाइडर हैं, कभी कभी मैं रिवर्स कलर ग्रेडिंग भी करता हूँ, कभी मैं फ्रंट से भी स्टार्ट करता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई आपने पिछली वीडियो में रिवर्स करी है और इसमें आप फ्रंट से कर रहे हो, तो गुड है यार, अगर आपको दोनों साइड से आती है तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। और क्यों मैं यहाँ फ्रंट से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कलर्स हैं प्रेजेंट और बस मुझे उन्हें एनहेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे जो भी जैसा टाइप का भी कलर चाहिए होता है, तो टेम्परेचर सबसे पहला एडजस्टमेंट का आपका पोर्ट होता है, तो यहाँ अगर आपको ब्लू चाहिए तो आप थोड़ा सा स्लाइट ब्लू की तरफ जाएं और टिंट को भी थोड़ा सा इधर कर दें, क्योंकि आपको ब्लू की फील देगा ज़्यादा। और एक्सपोजर को हमेशा नेगेटिव लेके जाएं, क्योंकि आपकी डिटेल्स लाता है पीछे, ठीक है। अगर मैं इधर करूँगा तो ये ब्लोन आउट कर देगा, हर चीज़ को गोरा कर देगा। तो अराउंड 20 परफेक्ट है कि थोड़ी डिटेल्स भी आ जा रहे हैं और कलर भी आ जा रहे हैं। अब कंट्रास्ट को मैं थोड़ा हाई रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को थोड़ी पॉपी इमेज चाहिए होती है, और हाइलाइट्स को भी मैं थोड़ा लो करता हूँ, क्योंकि मेरे को डिटेल्स पूरी चाहिए फ़ोटो की। और अब शेडो की बारी आती है, शेडो के अंदर से मुझे डिटेल्स बहुत सारी निकालनी होती है, इसलिए मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ। और वाइट से मेरे को पॉप मिलता है अच्छा सा, तो और ब्लैक से भी पॉप मिलता है, तो मैं दोनों को फुल करता हूँ और टेक्सचर्स थोड़े बढ़ा देता हूँ कि ब्लेंड इन हो जाए। क्लैरिटी का भी थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ कि जो भी मैं विंटेज इफेक्ट डालूँगा वो अच्छे से इफेक्ट करेगा वहाँ पे। और वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे मूडी और पॉपी इमेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने हर चीज़ कर दिया, लेकिन अभी मुझे पता है कि मेरा फेस ओवर सेचुरेटेड है, लेकिन मैं हमेशा ओवर सेचुरेशन को यहाँ HSL में से हटाता हूँ और सेचुरेशन को यहाँ कर देता हूँ डाउन ये वाला, और रेडनेस को भी थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, लुमिनेंस बढ़ा देता हूँ, जिससे जो आपका फेस का पॉप है वो अच्छा है और रेडनेस भी इतनी ना दिखे। और यहाँ पे ब्लूज़ को थोड़ा सा पॉप देता हूँ मैं हल्का सा, और सेचुरेशन भी इंक्रीज़ करता हूँ। अब ब्लू थोड़ा अलग टाइप के हो गए हैं, आप मुझे एक्वा करना है, इन एक्वा एक्वा ब्लू, तो यहाँ एक्वा कर देता हूँ मैं ये, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्वा कम लग रहा है यहाँ, लुमिनेंस एक्वा की बढ़ा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ थोड़ी पिक्सलेशन वाले इफेक्ट आ रहे हैं। अब उसके बाद हेड ओवर करता हूँ पोस्ट विनियटिंग, थोड़ा सा बढ़ाएं बस, और हाइलाइट्स को पूरा इंक्रीज़ कर दें, राउंडनेस, हाँ फैदर, फैदर ज़्यादा ज़रूरी है, राउंडनेस में फैदर, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको ग्रेन्स डालने हैं तो आप ग्रेन्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतने नहीं डालता। और यहाँ पे ये मेन है जो आपके सेचुरेशन हटाने के लिए, यहाँ से आप ग्रीन प्राइमरी से सेचुरेशन हटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे से चालू करता हूँ, इसमें ब्लू से थोड़ी सेचुरेशन हटाता हूँ इसमें से, और थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इधर ब्लू की साइड,
फिर ये जो ज़मीन है यहाँ पे एक इफ़ेक्ट अच्छा सा लाने के लिए मैं यहाँ ये यूज़ करता हूँ स्प्लिट टोनिंग। तो मैं पहले ब्लू की तरफ ले आता हूँ जो भी ब्लू चाहिए होता है, और फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ हल्का सा। तो ये देख सकते हैं आप कैसा अच्छा सा ब्लू इफ़ेक्ट आ गया। ये देखिए विदाउट ब्लू विद ब्लू, तो एक ओवरकास्ट सी हो जाती है यहाँ पे जो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ से थोड़े कलर कम कर देता हूँ मैं ग्रीन से, और यहाँ से पॉप कर देता हूँ, और फिर यहाँ से थोड़ा सा येलोइश टाइप हल्का सा येलो वाला टोन, क्योंकि मुझे रेडिश भी नहीं चाहिए, मुझे स्किन टोन टाइप पीछे का भी कलर चाहिए। तो यहाँ पे ये कर दिया है मैंने। अब जब होता है कि आपको लगे कि आपकी फ़ोटो ब्लैक हो रही है, तो यहाँ आप आगे हाइलाइट्स छेड़ सकते हैं जिससे आपको ग्लो मिलेगा। हाइलाइट्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अराउंड यहाँ तक ला सकते हैं, और एक्सपोजर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको और अच्छा ग्लो मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को भी देखें, थोड़ा कम करके अगर आप वाइट्स घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपकी डिटेल्स भी अच्छी रहेंगी और आपकी फ़ोटो भी अच्छी रहेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी इमेज कंप्लीट हो गई है, और हिट ओके करते हैं हम। और अगर आप आपकी फ़ोटो में शार्पनेस नहीं आ रही है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, तो फिर इसे कमांड जे दबाइए या कंट्रोल जे, और फिर फिल्टर में चाहिए अदर हाई पास, और यहाँ पे टाइप करें 1.8, और इसको ओवरले में डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ शार्पनेस कितनी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। तो यही था हमारा, और ये इंस्टाग्राम पे सेव करने के लिए फाइल सेव एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। तो यहाँ आपके जो भी डायमेंशन होगा और फोटो दिख जाएगी, और फिर यहाँ जेपैक सेलेक्ट कर लीजिए और डन। नहीं डन डन नहीं करना, कभी कभी जल्दी में हो जाता है ये बार बार। सेव कहाँ पे सेव करना है, बस डेस्कटॉप। सो यहाँ ये इमेज सेव हो गई है, आप देख सकते हैं। सो फोटो बहुत ही अच्छी एडिट हुई है। सो हिट लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और न्यू न्यू ट्यूटोरियल्स के लिए मैं लाता रहूँगा। और विजय महार का नेक्स्ट ट्यूटोरियल है जो फॉलन कंसेप्ट आया उसी पे बेस्ड रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।